हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर टिकटॉक पर भी लोग वीडियो बना रहे हैं। इसमें से एक प्रैंक वीडियो काफ़ी तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिल्ली मेट्रो में एक लड़के ने बनाया है। लड़के ने दो वीडियो एक साथ मिलाकर इसे बनाया है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भैया, सुबह ही चाइना से आया हूँ, मिलता हूँ शाम को आपको। टिकटॉक वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का मेट्रो ट्रेन में खड़ा है और फोन पर अपने भाई से कहता है कि हाँ भैया, सुबह ही चीन से आया हूँ, शाम को मिलता हूँ। जिसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि पूरी मेट्रो खाली हो जाती है। जबकि वीडियो के शुरुआती हिस्से में जब लड़का फोन पर बात कर रहा होता है तो उसमें काफी लोग ट्रेन में बैठे दिखते हैं। इस वीडियो को अब तक तकरीबन 40 लाख लोग देख चुके हैं और तकरीबन 1 लाख लोग लाइक कर चुके हैं। 29 मामले आ चुके हैं। गौरतलब है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 29 मामले सामने आ चुके हैं। इस बाबत खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में बयान दिया। उन्होंने बताया कि 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टरी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इटली से आए पर्यटक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मैं रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति को निगरानी कर रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर व्यक्तिगत तौर पर नजर बनाए हुए हैं। हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग। इससे पहले सरकार ने बुधवार को कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री हर दिन हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इस वायरस से दुनिया भर 3000 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें।